श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखां ने अपनी जिंदगी विच साध संगत जी इत्थे थोड़ा समा बंदगी कीती है तख्त साहब अस्थान ते रह करके ते जदों इत्थे ओ बंदगी करके भजन करके पंजाब नूं परते सी उदों विद्यार्थी रूप विच सीगे महापुरख ते संत ज्ञानी प्रताप सिंह जी लंघे आने वाले एक महापुरख होए बजुर्ग वड्डिया महापुरखां दे ओ विद्यार्थी सीगे ते उन्होंने दास नूं इह बचन सुनाया हुण तां ओह वी सचखंड चाला मार गए कई सालां तों ते ओह कहिंदे जदों महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी ते हजूर साहब तो होके आए ते मैं पुछया पचंगी आ भाई जरनैल सिंह तू उत्थे बंदगी करके आया कोई कोई कमाई की गल दस कोई ते ओ कहन लगे अगों के नहीं तुसी वड्डे हो महापुरखां दी संगत कीती है सानू कोई तुसी जरूर कोई सिख्या दिओ नाम दे जपण दी कहा नहीं पचंगिया तू बड़ी उत्थे भजन दी कमाई कीती है कोई जरूर दस कोई कोई भाणा कोई घटना वापरी होवे ते ओ कहिंदे फिर साडे ग्रसण तो ना उदों तां पचंगी कहिंदे क्योंकि महापुरखां दी उम्र छोटी सी ना ते कहिंदे वी पचंगी जरनैल सिंह ने सानू इह बचन सुणाया ते कहिंदे के असीं दुपहर दे समय नगीना घाट साहब ना नमस्कार करन गए नगीना घाट साहब गुदारी दे कंडे ते तुसी दर्शन कीते गुरद्वारा साहब दे कहिंदे जदों महापुरख अपनी ओ घटना दसी कहिंदे के गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं जदों मत्था टेकिया ते मन च फुरना आया कि महाराज नाम जपिया रिधियां सिधियां आ जांदियां पर असीं कदे वेखियां ही नहीं कहिंदे उस वक्त ना बहुत सुंदर स्वरूप विच तीन बीबियां जिहड़ियां सी ओह असीं बैठे सी जिस पासे पिछे आके बैठ गईयां फिर सोचिया भी मैं कितें बीबियां वाले पासे तो नहीं बैठा तां कि बीबियां इधर बैठियां कहिंदे मैं उठ के दूसरे पासे बैठ गया वह फिर उठियां तो मेरे पिछे आके बैठ गईयां मैं कहा तो कम खराब बीबियां पिछा कर दईयां फिर कहिंदे मैं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं चौर करन लग पिया ते वो फिर पिछे आके खलो गई फिर कहिंदे मन च घबराहट हुई ते चौर साहब रख के ना अरदास कीती कि महाराज ये कौन ने मेरे पिछा क्यों कर दिया कहिंदे फिर उस समय महाराज जी ने सानू अंदर भाख्या आवाज दी भी तू आपे कहना साहब वेखियां नहीं कदे वेख लै हुण ये रिधियां सिधियां ही हैं फिर बेनती की महाराज सानू नहीं चाहीदियां सानू तो आपका नाम ही चाहीदा है ये बचन महापुरखां ने प्यार विच सुनाया सी संत ज्ञानी प्रताप सिंह जी लंघे आने वाले महापुरखां ने ते दास उधर कथा करन गया सी ते उदों महापुरखां ने दास नूं इह बचन सुनाया सी।